प्रदेश में इस बार नहीं होंगे छात्र संघ के चुनाव। कॉलेज शिक्षा विभाग ने रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। 15 विश्वविद्यालयों को आदेश की कॉपियां भेज दी गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला दिया गया है। सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की बात भी कही गई, इसका भी जिक्र किया गया है हवाले में। उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी बड़े पैमाने पर दिखाई दिया है। छात्र संघ जो है वो ज़्यादा नाराज नजर आए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया और अंदर उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास आईडी कार्ड है। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है। भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर मौजूद है। यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आई कार्ड दिखाकर ही प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। बाहरी छात्रों को पुलिस जो है वो अंदर ले रही है, हिरासत में ले रही है। यूनिवर्सिटी के सभी द्वार पर पुलिस की तैनाती की गई। 20 से अधिक छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव स्थगित का ये पूरा मामला है। इस साल छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। नेशनल कमीशन लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राष्ट्रदीप का बयान है, राजस्थान विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़ने नहीं देंगे, किसी भी छात्र संगठन को प्रदर्शन नहीं करने देंगे। विश्वविद्यालय में केवल कार्ड धारक विद्यार्थी ही पहुंच पाएगा। प्रदर्शन रोकने के लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। चुनाव पर रोक लगने के साथ ही इनपुट मिल रहे हैं। छात्रों के समूह कर सकते हैं रास्ता जाम या बड़ा प्रदर्शन। ऐसा करने की कोशिश की गई तो कुछ छात्रों को रास्ते में भी विद्यार्थी कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करें। कानून का उल्लंघन नहीं करने देंगे। किसी भी छात्र को आमदनी की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विद्यार्थी पुलिस को मजबूर ना करें मुकदमे दर्ज करने के लिए। यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी इसके लिए तैनात किया गया है। विद्यार्थियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद में हमारे पास में मॉर्निंग से ही लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, जिसमें कि छात्रों के कुछ समूह कोई भारी विरोध प्रदर्शन या फिर रास्ता जाम करने जैसी गतिविधि कर सकते हैं। कुछ लड़कों के द्वारा ये अटैम्प्ट किया भी जा चुका, हमने उन्हें फिलहाल हिरासत में ले रखा है। मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि वो जो भी विरोध करना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से कानूनों के नियमों के दायरे में रह करके करें, क्योंकि कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे कि आम जनता को परेशानी हो, जिससे कि कानूनों का उल्लंघन हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस खड़ी हों, उसे हम बहुत सख्ती से डील करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि छात्रों के विरुद्ध कोई मुकदमे लगे, क्योंकि उससे उनका भविष्य खराब होता है। पर हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो भी कानून को समझें, व्यवस्था को समझें और ऐसी कोई गतिविधि नहीं करें जो उनके लिए उचित नहीं है, जयपुर की आम जनता के लिए उचित नहीं है।